हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो कल हम इसी चैनल पे लाइव भी होने वाले, 6:10 पर लाइव होने वाले। और जैसा कि हम आपको बता दें कि सरकार ये लगभग 6000 के अप्रोक्स वैकेंसी निकाली है। अगर हम कैलकुलेट कर ले पांच साल में आप देखोगे विधायक का सीट और एमपी का सीट सरकार बढ़ा देती है, मगर यहाँ पे जब स्टूडेंट की वैकेंसी की बात आवे तो यहाँ पे सीधा घटा दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट के साथ आप बोलो ना कि शोषण किया जा रहा है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे देखोगे सरकार, देखोगे कहीं ना कहीं आप फैसिलिटी बढ़ाना हो विधायक जी का तुरंत बढ़ेगा, एमपी जी का बढ़ाना हो फैसिलिटी तुरंत बढ़ेगा, एमपी का सीट बढ़ाना हो तुरंत बढ़ेगा, एमपी का चुनाव होना है तुरंत बढ़ेगा यहाँ पे। वही अगर आप लोग का एग्जाम के बारे में बात करो, देखो एग्जाम के बारे में आप ये सोच लो कि आप जो सोच रहे हो कि इलेक्शन से पहले आपके एग्जाम हो जाए, मुझे तो नहीं लगता है दूर दूर तक इलेक्शन से पहले एग्जाम, जो उन एग्जाम भी होगा इलेक्शन के बाद होगा। सिर्फ वो अपना काम है ना, वो चाह रहे कि जितना तेजी से हो जाए यहाँ पे और जितना हम बेस्ट दे पाए। तो ऐसे नहीं होता है, हर चीज बैलेंस बना के चलना पड़ता है। आप देखोगे एज का भी काफी ज्यादा मैटर है, एज देखो यहाँ पे काफी सारे बच्चे जब 2018 में जब तैयारी कर रहे थे, जब वैकेंसी आई थी लास्ट इलेक्शन में यहाँ पे, तो यहाँ पे आप कहीं कहीं देख रहे थे गाइस बहुत सारे बच्चे के रेलवे में जाने का शौक होता है, तो पॉइंट एक या दो या तीन नंबर से जो भी छट जाते हैं, तो सोचते हैं कि चलो हम अगले साल वैकेंसी आएगा फॉर्म फिल कर देंगे, लेकिन अगले साल भी नहीं आते, फिर सोचो चलो इसके बाद आएंगे तो इसके बाद हम भर देंगे। आप देखते पांच साल में वैकेंसी, तो सरकार को ये चीज सोचना होगा ना। आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं यहाँ पे, एक होता है कि आप जो मन में आता है आप वही करके डाल देते हो। यहाँ पे 5-6 हजार वैकेंसी भैया, आप देखो बिहार में आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आई थी 1200 से भी ज्यादा वैकेंसी आई थी भैया, रेलवे से भी ज्यादा वैकेंसी। एक सबसे बड़ा अगर बात करें जॉब का सेक्टर, बात करें रेलवे से बड़ा जॉब सेक्टर मुझे नहीं लगता कि कोई और सेक्टर होगा सर यहाँ पे इंडिया में, मैं खास करके अगर बात करूँ यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आप देख लो यहाँ पे 5 साल में 6000 वैकेंसी, ऐसा लगता है कि आपने बहुत बड़ा काम कर रखा है यहाँ पे। तो ये फर्जी बारा है और कुछ भी नहीं है गाइस, है ना। यहाँ पे आप देखो कि लास्ट अगर 2014 में बात करें तो कहीं ना कहीं 20,000 से ज्यादा वैकेंसी देखने को मिलती है, फिर लास्ट अगर बात करें 2016 में भी वहां भी कहीं ना कहीं 20,000 से ज्यादा वैकेंसी देखने को मिलती है। 2018 में बात करने वाले तो कब से लगभग 64,000 वैकेंसी देखने को मिलती है। वही अगर हम बात करने वाले गए 2024 में तो 5-6 हजार वैकेंसी। भैया जनसंख्या बढ़ता है यहाँ पे, जनसंख्या के साथ कई सारे ट्रेन बढ़ती है यहाँ पे, अब बढ़ने की जगह और घट ही रही है यहाँ पे। तो हो क्या रही है यहाँ पे, तो मात्र 5-6 हजार ही आदमी खाली हो पाए यहाँ पे। इतना दिन से मेरा देश आजाद नहीं भी हुआ था उससे पहले से ही ट्रेन चलते आ रही है, और हर साल इससे ज्यादा 5-5 हजार से भी ज्यादा काफी सारे लोग एम्प्लॉय है ना, वो कहीं ना कहीं रिटायरमेंट होते हैं यहाँ पे, और 5 हजार ही यहाँ पे वैकेंसी। तो मालूम नहीं जो मन में आता है वही करता था। खैर हम लाइव आने वाले हैं कल, हम 6:10 पे इसी चैनल पे, तो आप लोग सपोर्ट करिएगा, थोड़ा शेयर करिएगा, एंड चैनल भी हम टेक्निकल स्टूडेंट के लिए बनाए हैं, तो कल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि रात बहुत ही ज्यादा हो गया था। बस एक छोटा इन्फॉर्मेशन देना था, आप में से काफी सारा स्टूडेंट का मैसेज या कॉमेंट आ रहा था, तब तक के लिए धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखिए, कल हम 6:10 पर लाइव आएंगे। थैंक यू।